घूमना किसको पसंद नहीं होता है। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ ट्रिप पर जाना, एंजॉय करना हर किसी को अच्छा लगता है। कुछ लोग तो घूमने फिरने के इतने दीवाने होते हैं कि हर महीने उनके बाहर कहीं ना कहीं घूमने की योजना बनती रहती है। आपको भी घूमना फिरना पसंद है तो ये खबर आपके लिए बिल्कुल है। भले ही पूरा संसार घूम लेना चाहते हो, लेकिन उससे पहले ज़्यादा घूमने के एक बार दुष्परिणाम भी जान लीजिए। ज़्यादा घूमना आपकी सेहत को खराब करने के संकेत देता है। हमारा मकसद आपको प्रेरणाहीन करना या फिर निराश करना नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य बस आपको सचेत करने का है, ताकि आप अपनी वर्ल्ड टूर के साथ साथ आप सेहत का भी पूरा ध्यान रख पाएं। कैंसर, अगर आप लगातार यात्रा करते रहना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए खतरे का संकेत हो सकता है। लगातार यात्रा करना जेट लैग का कारण बन सकता है, जिससे कि कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी क्लॉक को गड़बड़ करता है और इससे शरीर में ट्यूमर बनने की आशंका होती है। एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि लोगों के आंतरिक बॉडी क्लॉक का उन कोशिकाओं के तेजी से बनने की प्रक्रिया पर काफ़ी असर पड़ता है जिनमें कैंसर को रोकने की क्षमता होती है। आपको बता दें कि बर्लिन की चैरिटे मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से खबर में कहा गया है कि हमारी आंतरिक घड़ी का तालमेल हमारी बाहरी प्रकाश और अंधकार के साथ होता है और साथ ही साथ लोगों के व्यवहार और गतिविधि के स्तरों को प्रेरित करती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे परिणामों के आधार पर ऐसा लगता है कि क्लॉक में एक ट्यूमर शमनकर्ता के रूप में कार्य करता है। ये पूरी रिसर्च एक PLOS बायोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित की गई है, जिसमें बताया गया है कि अध्ययन करने के लिए रिसर्च टीम ने एक प्रोटीन का सहारा लिया जिसका नाम है RSS। इस प्रोटीन का विश्लेषण किया गया तो ये प्रोटीन चूहों में लगभग एक चौथाई कैंसर वाले कोशिकाओं में सक्रिय होता है। RSS जो शरीर में कोशिकाओं के तेजी से बहुगुणित होने को नियंत्रित करता है और वो लोगों के आंतरिक बॉडी क्लॉक को भी प्रभावित करता है। ये पूरा प्रोसेस दो प्रोटीनों के माध्यम से होता है, एक INK4 और दूसरा ARF। ये प्रोटीन कैंसर को दबाने का काम करते हैं। पिछले अध्ययन में जबकि पाया गया था कि कोशिकाओं के आकार में समय के साथ साथ उतार चढ़ाव होता है, जिसे जीवन काल का निर्धारण और कैंसर की शुरुआत से जोड़ा जा सकता है। जैविक क्लॉक में परिवर्तन हृदय रोगों और मधुमेह के खतरे को बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है। इसलिए अगर घूमने के आप शौकीन हैं तो इस खबर को ध्यान में रखें, तो थोड़ी सी परेशानी होने पर भी आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से विनीत राय की रिपोर्ट।